अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं आपको दो एप्पल दूंगा या फिर दो डेरमिल सिल्क दूंगा, तो आपको पता है कि भाई एक और दो दो ही मिलने वाले। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आई विल गिव यू एक्स चॉकलेट या फिर आई विल गिव यू वाई चॉकलेट, तो तुम ऐसे बोलो अरे कुछ भी मिल सकती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 9th CBSE का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलीनोमियल की स्टार्ट करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अस और क्या क्या हमें समझ में आता है ना। तो शुरू करते हैं। पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स अपन को शुरू करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज द वेरिएबल्स, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको कॉन्स्टेंट टर्म की बात करूँ तो आई कैन से दैट इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म्स देन आई कैन से दैट कॉन्स्टेंट टर्म्स आर दोज टर्म्स जिसकी वैल्यूज जो है वैल्यूज आर ऑलवेज फिक्स्ड, इसीलिए तो इसको अपन कांस्टेंट बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि ये तुमको कांस्टेंटली घूर रहा है, ये तुमको कांस्टेंटली सर मेरे को देख रहे हैं, लगता है आज तो मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वही कांस्टेंट है ये भी कि वो फिक्स्ड रहता है, वो कभी मतलब चेंज नहीं होता। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं आपको दो एप्पल दूंगा या फिर दो डेरमिल सिल्क दूंगा, तो आपको पता है कि भाई एक और दो दो ही मिलने वाले। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आई विल गिव यू एक्स चॉकलेट या फिर आई विल गिव यू वाई चॉकलेट, तो तुम ऐसे बोलो अरे कुछ भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। सो द वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, इसीलिए हम क्या कहते हैं वेरिएबल, कि वो वेरी करते रहेंगे, उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेगी। दिस इज द बेसिक टर्म। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया 3 या फिर मैंने बोल दिया 17 या फिर मैंने बोल दिया 4/3, ये सब कॉन्स्टेंट टर्म्स है। एंड वॉट आर वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने बोल दिया x या फिर मैंने कह दिया a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कुछ इक्वेशन में a की वैल्यू 2 आती है तो कुछ इक्वेशन में a की वैल्यू 7 आती है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, है ना। तो दैट इज व्हाई वी से वेरिएबल। ये दो टर्म्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मेरे को एक बच्चा पूछता है कि सर एक्स स्क्वायर क्या है, यस बेटा वो भी एक वेरिएबल है। अच्छा, अगर आप मेरे को ये पूछो कि भैया सर जेड क्या है, तो बोलूंगा ये भी एक वेरिएबल है। अच्छा, अगर आप ऐसे बोलते हो कि एक्स वाई क्या है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे दो वेरिएबल और दो वेरिएबल का ऑपरेशन हुआ है। सब चीज के ऊपर अपन क्लैरिफाई करेंगे। ये तो था बेसिक कि भाई इतना बेसिक टर्म हमें मालूम होना चाहिए। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब मैं ये कांस्टेंट टर्म्स और ये वेरिएबल्स का ऑपरेशन करता हूं। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन के लिए मैंने लिख दिया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर मैं इन दोनों को प्लस माइनस, किन दोनों को कॉन्स्टेंट को एंड वेरिएबल्स को, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर प्लस कर देते हैं या फिर माइनस डिवाइड या फिर सारे के सारे कर देते हैं, ठीक है, सम या फिर ऑल, इनमें से कुछ ऑपरेशन का यूज करें या फिर सारे ही ऑपरेशन का यूज कर दें, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा तब मैं पॉलीनोमियल के ऊपर आ पाऊंगा, है ना। तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो लाइक टर्म्स है, ये तो अनलाइक टर्म्स है, ये प्लस हो सकते हैं, ये प्लस नहीं हो सकते हैं। ये सारी साइकोलॉजी दिमाग में घूमनी चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया सपोज करो अपन ने कहा था 3, 4, 7, ये सब कांस्टेंट लिए थे। वेरिएबल क्या लिए थे, एक्स वाई या फिर हमने ए। अब अगर मैं इन दोनों का ऑपरेशन कर दूं, जैसे कि प्लस कर दूं या फिर मैं मल्टीप्लाई कर दो या फिर मैं डिवाइड कर दो, तो क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल जाएगा 3 + x। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 4 × y, मतलब के 4y। आपको पता होना चाहिए कि x एक वेरिएबल और कांस्टेंट कभी प्लस नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने उसको 3 + x लिखा हुआ। लेकिन 4 और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 4y। अब वैसे ही 7 / a, तो ये क्या हो जाएगा, 7/a। यस, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सब क्या है, एल्जेब्रिक। अच्छा, ये तो मैंने सम यूज करा, मैं ऑल भी यूज कर सकता हूं, जैसे कि 7 + x × x + नहीं तो माइनस ले लेते हैं, माइनस z / x।
ठीक है, या फिर इसको भी मल्टीप्लाई वाई, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया, प्लस है ये एक टर्म हो गया, तो दिस इज सेवन। दूसरा टर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा तीसरा टर्म क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया हमारा माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया जेड एक्स वाई, है ना। तो मैंने सारे ऑपरेशन का यूज कर दिया और ये मुझे क्या मिला, ये मुझे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ाया सर, कॉम्बिनेशन ही तो करना था कॉन्स्टेंट वेरिएबल का, तो क्यों बताया, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अनोखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स है, इन विच वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स जैसे कि एक्स वाई जेड या फिर कितने भी वेरिएबल्स हो हमारे पास में, उन वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, एंड इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि क्या होना चाहिए, होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड इंटीजर, ठीक है। अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल्स की, कि जो पॉलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि वो एक ऑपरेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर, जैसे कि अगर मैंने मान लो आपको एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया 7x² + 2x + 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, गिव मी द आंसर इन यस और नो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों ये पॉलिनोमियल है, एकदम सिंपल है सर, अगर आप इसकी वेरिएबल्स देखो, if I watch the variables, there are only two variable, x square and x. अब ये जो x है, इसका जो power है, वो 1 है, which is positive, which is an integer. 2 है, this is also positive, this is also integer, so therefore this is a polynomial. अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि 7√x + 3x, क्या ये एक polynomial है, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा नो। क्यों नो, क्योंकि ये जो एक्स है, इस एक्स का जो पावर है वो रूट में है, इसका मतलब कि दिस कैन बी नोटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स पावर 1/2। अगर आपने 7th-8th में इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स अगर ये चैप्टर सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा कि हाँ भाई अगर a टू द पावर 1 upon m होता है तो I can write it down as root m, a root m, जैसे कि a 7 के ऊपर power 1/3 लिख दी तो this will be cube root of 7। तो वैसे ही मैंने इन्हीं चीजों का यूज करके यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो x है उसमें स्क्वायर कुछ बोला हुआ नहीं, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट से शुरुआत होती है इनकी, तो स्क्वायर रूट है, तो therefore x की पावर 1/2 + 3x है। और क्या कहा था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्या कहा था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव तो नहीं है ये बच्चों, ये नेगेटिव तो नहीं है लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो therefore दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा अगर मेरे को कोई बच्चा ये पूछे कि भैया ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, जैसे कि मैं आपको बुक यहां पर सामने लिख के बता रहा हूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या 7 + 3/x क्या ये पॉलिनोमियल है, मैं बोलूंगा नहीं बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 7 + 3 × x^-1 आ जाएगा, x के ऊपर पावर माइनस वन आ जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a के ऊपर पावर m है तो दिस कैन बी नोटेड डाउन एज a1/a⁻¹m, है ना। और वही अगर 1/a⁻ होगी तो वो पावर ऊपर आ जाएगी a⁻¹। ये भी हमने पॉलिनोमियल्स में सॉरी इंडाइसेस में हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। सो आई कैन अगेन समराइज इट एज,
मैं फिर से आपको बता देता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से बच्चों, अच्छे से याद करना उसको कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चीजें दिमाग में होगी ना तो आप सारे सम्स फटाफट खटाखट हो जाएंगे। नहीं तो क्या हुआ ना कि अरे यार बेसिक ही क्लियर नहीं है, कैसे करूं, मुझे तो नहीं आ रहा है। तो वो चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स जो होंगे उसके अंदर वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मूविंग ऑन द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या पढ़ना हमें, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, ये चीज की पता होनी चाहिए कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। फिर उसके बाद में उसके टाइप्स पढ़ेंगे ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज करो कि आई जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, 7x plus 3x 4 plus 2x, ये 5 ले लेते हैं और ये 2x plus 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, ध्यान से देखो, इसके अंदर वेरिएबल x ही है, वेरिएबल x ही है, तो इसकी मैं डिग्री निकाल सकता हूं। अगर वेरिएबल x और y और z दिए हुए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है तो मैं आपको उसके अंदर वेरिएबल वन वेरिएबल ही दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रटाफिकेशन मत करो, रटापटा मत करो बच्चों, उसको बराबर समझो। क्या है कि एक ही वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दिया है, एक्स वेरिएबल का। इस एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इस x वेरिएबल में देखो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 थी, यहाँ पे 4 है, और इधर मैंने देखा तो पता चला ओ हो हाईएस्ट पावर क्या है, 5। सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 5, एकदम सिंपल। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको वापस से समराइज करूंगा। पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया सबको कि भाई एक ही वेरिएबल होता है। अगर सपोज करो मैंने 7y ले लिया, 7y स्क्वायर प्लस 2y, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री मुझे पता करनी हो तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ये y का 2 पावर है, ओहो 2 पावर है, चलो तो ये हो गया डिग्री। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बच्चे ज्यादा अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उस दफा पे 1 है 1, अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 है 3। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे x वाले ही सारे वेरिएबल के दिए होंगे या फिर y वाले ही वेरिएबल के दिए होंगे, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अपॉन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव मेजरली 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। We have on the basis of types, किसके basis पर रख रहा हूं मैं, types on the basis of degree of polynomial। तो degree of polynomial के basis पे मेरे पास में 4 है, और भी बहुत होते हैं लेकिन हमें 9th चरण के लिए इतने ही याद रखना है। सबसे पहला है linear polynomial जिसकी highest degree 1 हो। Example, highest degree जो है 1, जैसे कि मैंने ले लिया 7x plus 3, या फिर मैंने लिख दिया 2x, या फिर मैंने लिख दिया 3y। तो इन सब में अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। x था वेरिएबल, x के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1, y वेरिएबल है, y की हाईएस्ट डिग्री 1। अच्छा, इसमें दो टर्म है और इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि यही एक टर्म है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। दिस इज लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, x स्क्वायर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अच्छा 3x स्क्वायर प्लस 2 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, है ना। तो ऐसे आप कितने भी बनाओ, जैसे सपोज करो मैं 7 प्लस 12 भी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट उसको क्या लिख दूंगा, 19, है ना। तो 7 प्लस 12 लिख क्यों कंफ्यूज करूं, प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैंने ये 3 टर्म लिखे तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा बच्चों, अगर इसके अंदर ये एक्स स्क्वायर नहीं आता तो ये कौन सा हो जाता, हाँ एकदम सही सोच रहे हो,
लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता, ठीक है, तो ये हो जाता 19 प्लस एक्स। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसे हम बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, बी आई लिखना भूल गया मैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। और भी ऐसे बहुत आते हैं लेकिन यहां तक रखोगे तो भी चलेगा। ये मैंने बता दिया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आपको क्या पूछा जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर और क्या करना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन का टाइप के डिटरमाइन या फिर बताओ, है ना, हमें ये चीज डिटरमाइन करके बताओ, डिटरमाइन के द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। कैसे पता चलेगा इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, कैसे पता चलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, याद आया, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, पहले के पहले ये देखो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्या है फिर, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये आप पॉलिनोमियल कैसे बताओगे, ओनली नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर, याद आ गया ना बच्चों, ठीक है। इसके रिलेटेबल क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन के दिए अंदर, डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दे रहा हूं, वो लिंक पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा कि डिटरमाइन के बाद में आपको पूछा होगा कि भाई इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्या पूछा होगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस के टाइप मैंने आपको करवाए, ये दो क्वेश्चंस के मैं आपको सम्स दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही जुड़े रहना, मैं आपको और भी ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड करता रहूंगा यूट्यूब पे, जिसके मदद से क्या आपके जो 9th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो रुके ना, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रहो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, आई होप मैं आपको ऐसे ही पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व रख पाऊं, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।